हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, ये एक रिक्वेस्ट का वीडियो है और बहुत दिन पहले ये रिक्वेस्ट आया था और उन्होंने और भी कुछ रिक्वेस्ट भेजा था है, मैंने बताया था जो धीरे धीरे करूँगा। और देखिए, बहुत रिक्वेस्ट है जो बहुत ही सिंपल है, वो मैं इग्नोर कर जाता हूँ, और जो जिनमें से ये भी बहुत ही सिंपल है, मगर उनका एक वीडियो भी मैंने रिक्वेस्ट यानी कि फुलफिल नहीं किया हो, इसलिए ये कर रहा हूँ। तो मैंने एक बात आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, इस तरह का जो डिज़ाइन वगैरह होता है फ्रेंड, अगर हमें लगे तो ये दिखाना ज़रूरी है तो हम दिखाएंगे, अदरवाइज अगर बहुत ही सिंपल हो तो वो हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमें अच्छा लगा है तो इसलिए मैंने ये रिक्वेस्ट बता रहा हूँ, और साथ ही साथ ये भी बता रहा हूँ फ्रेंड, इसका मैंने सिर्फ आप लोगों को ड्राफ्टिंग दिखाऊंगा, क्योंकि जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है मेरे ख्याल से बहुत एडवांस लेवल का है, तो शायद थोड़ा सा ड्राफ्टिंग दिखा देंगे तो पैटर्न कटिंग आ जाएंगे। तो स्टिचिंग तो बहुत यानी कि जो गाउन वगैरह होता है उसी तरह ही स्टिचिंग होता है, और ऊपर वाला हिस्सा जो ब्लाउज में स्टिच होता है वो तरीका, और साथ ही साथ आप लोगों को ड्राफ्टिंग के साथ साथ मैंने स्टिचिंग का भी नॉलेज आप लोगों को दे दूंगा, तो आप लोगों को कुछ परेशानी नहीं होगा। और ये है रिक्वेस्ट, और साथ ही साथ जैसे कि ये करने के लिए क्या मेजरमेंट स्पेशली थोड़ा सा अलग चाहिए तो वो भी हम मॉडल में दिखा देंगे, और क्यों वो मेजरमेंट चाहिए वो भी हम बता देंगे। ओके फ्रेंड, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जिन लोगों ने रिक्वेस्ट करके रखा है पहले से हमारे चैनल में, आप यकीन मानिए फ्रेंड, मैंने सभी रिक्वेस्ट एक एक करके दूंगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैंने बता दूँ डिज़ाइन को आप लोगों को दिखा दूँ, ये क्या है, किस तरीका से है थोड़ा सा बता दूँ। तो देखिए, ये है डिज़ाइन का पीछे वाला हिस्सा, ये इस तरीका से है, ये देखिए ये है फ्रंट, और मैंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, और ये है हमारा बैक वाला पोजीशन, ये है। तो बैक में किस तरीका से है, क्या है, सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ, और ये भी साइड से दिखा हुआ है, और एकदम से आप लोगों को क्लियर दिख रहा है फ्रेंड इस जगह में जो है, ये ठीक तरीके से तो देख लीजिए, बाद में मैंने आप लोगों को छोटा सा कागज में ड्राफ्टिंग कट करके दिखाऊंगा, और साथ ही साथ हमारा जो मॉडल है इसमें आप लोगों को क्या मेजरमेंट चाहिए, एक मेजरमेंट सिर्फ आप लोगों को बताऊंगा। ये देखिए पीछे वाला हिस्सा जो यहाँ से घूमता है और ये इधर से आता है, ठीक है, और ये है हमारा फ्रंट। और एक सवाल होता है, जैसे कि इस तरह का जो ड्रेस होता है इसमें हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, वो आप लोगों को बहुत यानी कि ज़्यादा ज़रूरी है क्या। देखिए, इसमें बहुत अलग अलग तरीका होता है, आप लोग जो सेमी सर्कुलर है वो, और जैसे कि हाफ सर्कुलर, फुल सर्कुलर, इसी तरह है, और हम लोगों को देखकर ही समझनी है। आप लग अगर इसे थोड़ा सा इस जगह इधर थोड़ा सा फिटेड करके आप थोड़ा सा लूजिंग करेंगे तो जैसे कि फिश कट हम लोग जो स्कर्ट बनाते हैं ना, उसी तरह स्टाइल को इस जगह में आप लोग यूज़ कर, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, अगर किसी ने करना चाहते हैं, पीछे से लग रहा है इस जगह में थोड़ा सा फिटेड, मगर वो फिटेड फ्रेंड नहीं है इस जगह में। ओके, तो सिंपल सा टेक्निक है, आप लोग इस जगह में हिप के जगह में आप लोग अगर फिटेड करना चाहते हैं तो हिप की मेजरमेंट आप लीजिए और बाकी जैसा है आप कर ले। मैंने सारे तरीका इस जगह में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ ड्राफ्टिंग दिखाऊंगा और साथ ही साथ एक छोटा कागज में दिखाऊंगा, तो हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे इसमें, और साथ ही साथ आप लोगों को बता देंगे ये और कौन सा तरीका आप लोग यूज़ कर सकते हो, ऐसे करेंगे वैसा, इसका ऑल्टरेशन क्या है, साथ ही साथ स्टिचिंग टेक्निक का भी बता दूंगा। ओके, तो देखिए एक डिज़ाइन बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं, हम एक तरीका दिखा रहे हैं, दूसरे लोग और एक तरीका दिखा देंगे, यही तरीका है। और इसमें जो मेजरमेंट अगर आप लोग बोलेंगे तो मेजरमेंट फ्रेंड इसमें ज़्यादातर पे कुछ नहीं चाहिए, जो जो मेजरमेंट है सब एक ही है, इसमें आप सुन लीजिए, जो एक्स्ट्रा है वही हम मेजरमेंट में दिखाएंगे। इसमें हम लोगों को चाहिए, चलिए डायरेक्टली हम फिगर में दिखा देंगे क्या क्या मेजरमेंट चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो इसलिए मैंने ये दिखा रहा हूँ आप लोगों को, मेजरमेंट सीखने में आसान हो। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, जो डिज़ाइन आप लोगों ने देखा है तो इसके लिए हम लोगों को जो मैक्सिमम जो शोल्डर होता है और जो शोल्डर कहाँ तक लेनी है वो एक मेजरमेंट हमें चाहिए, और साथ ही साथ यानी कि एक गाउन बनाने में जितना जो कुछ चाहिए सब कुछ इसमें चाहिए, और इस तरह का जो नेक होता है वो लगभग जैसे हमारा शोल्डर होता है
उसी तरह ही हम लोगों को मेजरमेंट लेना है, जितना शोल्डर है आप पीछे से जैसे हम लोग शोल्डर मेजरमेंट लेते हैं उसी तरह ही लेंगे, और जो ऊपर वाला जो नेक वाला हिस्सा ये इसी तरह बैठ के रहेगा इस जगह में, और साथ ही साथ फ्रंट डेप चाहिए, सिर्फ जैसा चाहिए वैसा सब कुछ एक ही है, सिर्फ इसमें एक अलग से एक मेजरमेंट चाहिए, वो है ये वाला हिस्सा, एक मेजरमेंट आप लोगों को ऐसे करके चाहिए। ओके फ्रेंड, जैसे कि आपका स्लीव इधर से जा रहा है और वो एक मेजरमेंट चाहिए, और साथ ही साथ आप लोग एक बात मैं बता दूं फ्रेंड, इस तरह का जो ड्रेस होता है इसे जो कस्टमर होता है बहुत अलग अलग तरीके से पहनते हैं, मगर आप लोगों को एक चीज कस्टमर को बतानी है, आप कितना जैसे कि आपका जो हाथ होता है वो कितना ऊंचा करके मूवमेंट करेंगे तो उसी हिसाब से होगा, अगर ज्यादा इसमें लूजिंग रखेंगे तो फ्रेंड ये नीचे इसी तरह मानिए जैसे कि इस जगह में ऐसे करके आप रख रहा है, देखिए इधर से इधर ये तो स्टिच हो जा रहा है मगर ये रह रहे खाली, तो ये जैसे कि आप लोग अगर वो कस्टमर की रिक्वेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, कस्टमर बोलेंगे हाँ चलो हम हाथ को इसी तरह उठाएंगे, वो इस ड्रेस में फिर नहीं होगा, इसमें जितना हो सके कस्टमर की जो हाथ है वो इसी तरह ऐसे करके मूव होना चाहिए, उतना ही रहेगा एकदम से वो फिटेड रहेगा। ओके, और इस जगह में आप लोग जो कपड़ा हम लोग यूज़ करेंगे इस जगह में थोड़ा सा स्ट्रेचेबल कपड़ा अगर आप लोग यूज़ करेंगे वो फिटेड रहेगा, अदरवाइज नॉर्मली कपड़ा से करेंगे तो फिर नीचे देखेंगे थोड़ा सा नीचे मूव करता है, थोड़ा थोड़ा करके मूव करता है क्योंकि उसमें इलास्टिक नहीं होता है, तो इस तरह का ड्रेस में अगर इलास्टिक देंगे तो फिटेड अच्छा होता है, आप लोग देखेंगे जो टैंक ट्यूब जो लोग जो ड्रेस तैयार करते हैं उसमें जो लोग इलास्टिक नहीं देते तो जो पहनते हैं वो थोड़ा थोड़ा खींच के इधर उधर ऊपर में उठाते हैं, तो इसके मतलब है जो इलास्टिक है वो नहीं दिया है इसलिए होता है। देखिए बॉडी से सिर्फ मेजरमेंट पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो इलास्टिक अगर हो उसमें फिटेड अच्छा होता है, और इलास्टिक में क्या हो ज़्यादा उसमें खींचा हुआ नहीं रहेगा, थोड़ा सा इलास्टिक भाव उसमें रहेगा। ओके, तो ये रहा सिंपल सा मेजरमेंट। चलिए अब मैं और बाकी बचा जैसे कि हम लोगों को बॉडीज चाहिए और जो हमारा जो नीचे वाला हिस्सा और ऊपर बॉडीज वाला हिस्सा जिस जगह में जुड़ते हैं तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगा किस जगह में हम उसे जुड़ेंगे, तो इसी तरह उसमें सब कुछ होता है। तो चलिए मैंने एक ड्राफ्टिंग इसमें दिखा दूं आप लोगों को सिंपल सा करके। तो फ्रेंड इसमें देखिए जब हम मैंने सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि ये रिक्वेस्ट का वीडियो है, ज़्यादा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा जैसे कि हम लोग जो बॉडी से जो मेजरमेंट लेते हैं और जैसे कि शोल्डर का मेजरमेंट होने के बाद इसी तरह ही हम लोग एक सेटअप करते हैं। ओके, मैंने ऊपर वाला पार्ट में दिखा रहा हूँ सबसे पहले, तो इसी तरह आप सेटअप करेंगे, सेटअप करने के बाद आपका जो शोल्डर होता है वो जैसे कि आप शोल्डर का मेजरमेंट लीजिए हाफ अप शोल्डर, उसके बाद माइनस अप हाफ इंच कर दीजिए। ओके फ्रेंड, जिस जगह से मैंने मेजरमेंट लिया है उसके बाद हाफ अप शोल्डर माइनस अप हाफ इंच कर दीजिए, क्या होगा जैसे कि हम लोग नेक कट करेंगे अभी दिखा रहा हूँ, और जो है इसमें आप लोग चेक कर लेंगे शोल्डर डाउन है कि नहीं, देना ज़रूरी है कि नहीं, वो डिटेलिंग हम इसमें चेक करेंगे। ये देखिए इसमें जो है आप लोगों को 0.25 आप शोल्डर डाउन आप लोग कर सकते हो इस जगह में, उसके बाद जो पीछे में आप लोग देखेंगे ये वाला जो हिस्सा पीछे का हिस्सा जो दिखा है इसमें हमें जो दिख रहा है उसी हिसाब से बोल रहा हो, आप बैक में आप 2 इंच डाउन ले लीजिए इसमें, ऐसे करके ऐसा हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा थोड़ा सा डाउन कर दीजिए शोल्डर में, उसके बाद इसे ऐसे करके इसे घुमा दीजिए। ओके, और साथ ही साथ ये वाला जो हिस्सा होता है और इस जगह के साथ हमारा जो नॉर्मल बस्ट होता है इसमें दो तरीका आप लोग यूज कर सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसमें जो एक तरीका है इसमें शायद हमें दिख रहा है बहुत क्लोज से, जब उसे बड़ा करके दिख रहा हो तो इसमें दिख रहा है एक प्रिंसेस कट का कट हुआ इस जगह में दिख रहा है, इस जगह में प्रिंसेस कट हुआ दिख रहा है हमें, तो आप लोग प्रिंसेस कट कर सकते हो, अदरवाइज और एक टेक्निक होता है जो जैसे कि इस जगह में हमारा 1/4 नॉर्मल बस इस जगह में आप कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद आप इसे इसी तरह करिए, उसके बाद इस जगह में 1/4 नॉर्मल बस कीजिए, उसके बाद जो आपका वेस्ट होता है उसी तरह खींच लीजिए इसी तरह, और बाद में इस जगह को थोड़ा सा माइनस कर दीजिए ताकि इस जगह में, और एक चीज़ ध्यान में रखना है फ्रेंड, इस जगह में ज़्यादा फुला फुला नहीं करना है, और नहीं तो इस जगह में दूसरे और एक टेक्निक यूज़ कर सकते हो, बैक वाला पार्ट जैसे हमारा हाई वेस्ट होता है उसी तरह ले लीजिए, और जो फ्रंट वाला जो पार्ट है उसे थोड़ा सा बड़ा करके भी आप लोग कट कर सकते हो,
अदरवाइज जो प्रशांत कर हमारा चैनल है उसमें जो कामिज वाला जो कैटेगरी से उसमें मैंने इस तरीका का जिक्र उस जगह में मैंने किया था, एक बार जरूर देख लीजिएगा। कुछ भी हो तरीका आप लोग कर सकते हो, आप लोग प्रिंसेस कार्ड भी इस जगह में कर सकते हो। ओके, और प्रिंसेस कार्ड में इस तरह का ड्रेस में आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये हमारा जो बॉडीज होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो बॉडीज आप लोग जैसे कि क्रॉस लेंथ क्रॉस वेथ उसके बाद इसी तरह जाकर इसी तरह जो होता है ना, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे कि इस जगह में इस तरह का कुछ शेप अगर आप लोग देंगे तो आपका जो वेस्ट वाला जो हिस्सा है फिर इस जगह में थोड़ा सा नैरो लाइट लगेगा इस जगह में, तो उसमें क्या होता है इसी तरह थोड़ा सा नैरो करेंगे तो क्या होता है, प्रिंसेस कट का एक अलग सा टेक्निक है जो मैंने दो एक वीडियो में बताया हमारे चैनल में है, तो वो टेक्निक इस जगह में आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा ऐसे करके, और बाद में इस जगह में आप देरी ऊंचा कर दीजिए इस जगह को, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा शेप दीजिए, अदरवाइज ये नीचे झूल जाएगा ये, इसलिए इस जगह को थोड़ा सा उठाना है। किसी भी तरीका आप लोग यूज़ कर सकते हो इस जगह में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में आप लोगों को जो काम करना है वो ये है, इस जगह में आप लोग देख रहे हैं जो हाथ से लेकर एक पट्टी पीछे से घूम गया है, तो हमें जानना है जैसे कि हम लोगों को जो स्लीव होता है कहाँ से ये उठा है, ये स्लीव का मिडिल से उठा कहाँ से उठा है, यानी कि हमारा जो बास्ट का जो क्रॉस पॉइंट इधर हो रहा है कितना दूर से उठा है, ये आप लोगों को इसी तरह देखना है, ऐसे करके देखना है। और जो पट्टी वगैरह उस जगह में डाला है नीचे वाला जो हिस्सा होता है फिर वो अकॉर्ड में ही कट करना है। ओके, यानी कि एक पार्ट बेसिक रहेगा, दूसरी पार्ट हम लोग ऊपर में जो नेट वगैरह दिया हुआ है वो नेट के साथ इसी तरह मेल होना चाहिए। ओके, और ये पट्टी जो रहेगा वो ऊपर ऊपर ही ये पट्टी रहेगा। ओके, ऐसे करके ऊपर में पट्टी रहेगा और पूरे एकॉर्ड पट्टी रहेगा, बैक में वो हम लोग बांध लेंगे, बैक में बांध सकते हो अब कुछ दूसरी कोई और एक तरीका, मगर ये सिलाई हुआ रहता है और इसके नीचे से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों हमें जुड़ना है, बस वही दिखाना है। और नीचे वाला जो पोजीशन है फ्रेंड, आप लोग नीचे वाला हिस्सा को आप लोग अगर चाहे जो जैसे कि ये देखिए इसमें हमें नहीं तो लग रहा है जैसे कि हिप फिटेड है, तो इसमें आप लोग बहुत अलग अलग तरीका यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हम लोग इस तरह करते हैं इसी तरह हिप करते हैं, बहुत लोग हिप करने के बाद अब इसी तरह कर दीजिए, जैसे कि हम लोग ए लाइन करते हैं ना तो इसी तरह सीधा कर दीजिए, जैसे कि हिप तक फिटेड रहेगा नीचे वाला हिस्सा, जैसे कि वो कपड़ा इधर मूव करेगा और उस जैसे मूव करेगा वो इस तरह दिखेगा और इस जगह तक फिटेड रहेगा। ओके फ्रेंड, और आप चाहे जैसे कि फिश कट टाइप का भी आप लोग शेप इस जगह में लगा सकते हो, कुछ भी करो आप चाहे, जैसे कि सेमी सर्कुलर हो जो हम लोग करते हैं ना जो स्कर्ट करते हैं उसी तरह तरीका से भी इस जगह को आप लोग यूज़ कर सकते हो, और जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा इसी तरह बढ़ा के आप लोग कट करेंगे ऐसे करके, तो ऊपर में जैसे कम लिया है यहाँ से बढ़ा देंगे तो वो एकदम फिटेड रहेगा इस जगह में, और इस जगह में जितना हमारा बॉडीज होगा उतना बॉडीज से हम थोड़ा सा सीप्स ले लेंगे, और नीचे वाला हिस्सा जब करेंगे उसके थोड़ा सा सीप्स लेंगे, और ज़रूरी नहीं है यदि देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो भी जाए तो इसमें इतना बड़ा लेंथ होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं आता, मगर इस जगह में थोड़ा सा शेप ज़रूर दीजिए, उसमें आपका ड्रेस का लुक चेंज हो जाएगा। ओके, तो यही बताना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो चलिए अब मैंने थोड़ा सा छोटा छोटा एक पैटर्न कट कर आप लोगों को दिखा रहा हूँ।